Hello friends, welcome to getlectures.com. Today in this video we are going to discuss a very important notification from UPPSC. Okay, so abhi UPPSC ne ek notification release kiya hai. Actually mein abhi 15th March ko usne release kiya tha. और वो नोटिफिकेशन है असिस्टेंट टीचर के लिए. ओके, लेट्स से उस नोटिफिकेशन में आपके लिए क्या है जो कंप्यूटर साइंस से एमसीए है, एमएससी है या फिर बीटेक कंप्यूटर साइंस में है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है. तो आपको सिंपली ओपन करनी है uppsc.up.nic.in वेबसाइट, और वेबसाइट ओपन करने के बाद में आपको एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा. वो नोटिफिकेशन है ये 15th मार्च को जो नोटिफिकेशन आया है, और इसकी लास्ट डेट है 12th अप्रैल. तो ये ध्यान रखना है कि लास्ट डेट 12th अप्रैल है. इसका मतलब क्या है कि आपके पास में तीन ही दिन है, 10th, 11th, 12th. आज 10th अप्रैल है, तो तीन दिन है इस फॉर्म को भरने के. ये फॉर्म है असिस्टेंट टीचर के लिए यूपी पे. ओके, यूपीपीएससी की जॉब है तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी जॉब होगी. तो अब जब आप इस पर अप्लाई करोगे, क्लिक हियर टू अप्लाई, आपके तीन चीज़ें दिखाई देंगी, यूजर इंस्ट्रक्शंस, व्यू एडवर्टाइजमेंट एंड अप्लाई. ओके, सो 15th मार्च इसकी स्टार्ट डेट थी, और फी डिपोजिशन लास्ट डेट है 12th अप्रैल, यानी कि लास्ट 12th अप्रैल को आपको इस फॉर्म कंप्लीट कर देना है, और फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट है 16th अप्रैल. फाइनली जो सबमिट करना है ऑनलाइन उसकी लास्ट डेट है 16th अप्रैल. सहायक शिक्षक मीन्स असिस्टेंट टीचर. तो सिंपली हम पहले एडवर्टाइजमेंट को डिस्कस करेंगे. ओके, लेट्स ओपन द एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट पे आप क्लिक करोगे तो आपको चार फाइल दिखाई देंगी. एक इंग्लिश में डॉक्यूमेंट फाइल है, एक हिंदी में डॉक्यूमेंट फाइल है, और एक इंग्लिश में पीडीएफ फाइल है और हिंदी में पीडीएफ फाइल है. तो इनमें से आप किसी को भी क्लिक कर सकते हो. तो हम ओपन करते हैं लेट्स से पीडीएफ फाइल. तो पीडीएफ फाइल ओपन करने के बाद में आपको दिखाई देगा नोटिफिकेशन, और ये नोटिफिकेशन है यूपीपीएससी का. ओके, सो ये नोटिफिकेशन है यूपीपीएससी असिस्टेंट टीचर के लिए, असिस्टेंट टीचर ट्रेंड ग्रेजुएट मेन एंड वुमेन. तो दोनों के लिए वैकेंसीज है, मैन के लिए भी एंड वुमेन के लिए भी. 15th मार्च स्टार्टिंग डेट, 12th अप्रैल लास्ट डेट. सो हम इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फॉर्म भरने की प्रोसेस कैसे होगी, और सिलेबस क्या होगा, एग्जाम क्या होगा, और सिलेक्शन प्रोसेसर क्या होगा. तो पहली चीज़ लिखी हुई है, सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है द कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड हार्ड कॉपी ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म. मतलब क्या है कि सब कुछ ऑनलाइन ही होना है, आपको कुछ भी ऑफलाइन नहीं भेजना है. ओके, सो स्पेशल नोटिस, ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब्ड फी इज डिपॉजिटेड. आपको सिर्फ इसमें इस पूरी चीज़ में लिखा हुआ है कि आपका फॉर्म तभी सबमिट होगा जब आप फीस सबमिट कर चुके होगे ऑनलाइन. ओके, सो अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें तीन चीज़ें होंगी. जब आप फॉर्म पे फिल करोगे तो यूजर इंस्ट्रक्शन जो हमने अभी देखा, व्यू एडवर्टाइजमेंट एंड अप्लाई. तो पहले आप आराम से एडवर्टाइजमेंट पढ़ें, और एडवर्टाइजमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो एप्लीकेशन फिल करने की तीन स्टेज होगी. फर्स्ट स्टेज में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है. सेकंड स्टेज में आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, जो आप नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट या फिर अदर पेमेंट के थ्रू कर सकते हो. और थर्ड स्टेज में फाइनली इसको सबमिट कर देना है. ओके, प्रीव्यू कर सकते हो सबमिट करने से पहले. अब सेकंड चीज़ है, सेकंड सेगमेंट कह रहा है कि अगर आपने एक बार फॉर्म सबमिट कर दिया तो आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो. एप्लीकेशन फ़ी अगर आपने एक बार सबमिट कर दी ऑनलाइन तो वो रिफंडेबल नहीं होगी. ओके, उसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज़ है नंबर ऑफ वैकेंसीज और कुछ और चीज़ें. जैसे जनरल कैटेगरी के लिए फीस जो है वो है 125 रुपीज़, जनरल और ओबीसी के लिए, और एससी एसटी के लिए फीस है 65 रुपीज़, हैंडीकैप्ड के लिए है 25 रुपीज़, और बाकी जो डिपेंडेंट्स हैं ऑन द फ्रीडम फाइटर्स उनके लिए कोई फीस नहीं है. तो आपका जो इस फोर्थ में लिखा हुआ है द बेसिक रजिस्ट्रेशन ऑफ सच कैंडिडेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड वू हैव बीन डिबार्ड. तो यूपीपीएससी का एक रूल है, अगर आपको आपने कोई किसी भी यूपीएससी के फॉर्म में कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी और वो फॉर्म आपका एक्सेप्ट हो गया, तो गलत अगर उसमें बाद में आपको पाया गया कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन फिल की थी, तो आपको यूपीपीएससी 5 साल के लिए डिबार्ड कर देती है. मतलब आप 5 साल तक यूपीपीएससी का कोई फॉर्म नहीं भर सकते हो. तो अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो अभी तक डिबार्ड स्टेज में है, यानी कि कोई उसका टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है 5 ईयर्स, तो उस फॉर्म को नहीं भर सकता है. अगर किसी फिफ्थ पार्ट कह रहा है कि अगर किसी ने अपनी फॉर्म में कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है, लेट से नाम गलत फिल कर दिया है, फिर फादर नेम गलत फिल कर दिया है, तो वो अपने फॉर्म में सबमिट होने के बाद में मॉडिफिकेशन तो नहीं कर सकते, लेकिन एक नया फॉर्म, एक फ्रेश फॉर्म सबमिट कर सकते हैं. सिक्स स्टेज कह रही है कि जो एग्जामिनेशन होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होगा, मैन एंड वुमेन दोनों की ब्रांच के लिए, और जो मेरिट बनेगी द सिलेक्शन विल बी मेड ओनली बाय मेरिट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड बाय द कैंडिडेट इन द रिटन एग्जामिनेशन. तो सिर्फ आपका जो सिलेक्शन होगा इस एग्जाम, इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, वो सिलेक्शन रिटन टेस्ट के बेसिस पे है, और रिटन टेस्ट एमसीक्यूज की फॉर्म में होगा. हम सिलेबस भी डिस्कस करेंगे कंप्यूटर का. नंबर ऑफ वैकेंसीज जो कि इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं
अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर की, कंप्यूटर में 898 वैकेंसीज हैं, ओके 898 वैकेंसीज हैं जिनमें से 449 जनरल की है, ओके 898 टोटल वैकेंसीज हैं, 449 जनरल के लिए है और 253 ओबीसी के लिए, 189 एससी के लिए। तो ये वैकेंसीज हैं, ये मैन के लिए थी। अब वुमेन की बात करें तो वुमेन की जो वैकेंसीज हैं वुमेन ब्रांच के लिए कंप्यूटर्स में 775 वैकेंसीज हैं, 388 जनरल की वैकेंसीज हैं और 208 जो है वो ओबीसी की वैकेंसीज हैं, 163 एससी के लिए हैं। तो ये मैन और वुमेन की अलग अलग वैकेंसीज हैं। अब मेन चीज़ें नोट, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। 8 थे रिजर्वेशन। रिजर्वेशन के बारे में इन्होंने कहा हुआ है कि जो यूपी से बिलोंग करते हैं रिजर्वेशन सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, लेकिन अप्लाई कोई भी कर सकता है ऑल ओवर द इंडिया। ओके फिर कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी में कुछ चीज़ें हैं। मैरिटल स्टेटस इंपॉर्टेंट है इसमें, अगर किसी की एक से ज़्यादा शादी हुई हुई है, अगर कोई मेल कैंडिडेट है और उसकी एक से ज़्यादा वाइफ है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता है। अगर फीमेल कैंडिडेट के बारे में ये कि अगर किसी फीमेल कैंडिडेट ने ऐसे ऐसे इंसान से शादी की हुई है जिसकी पहले से कोई और वाइफ है तो वो भी एलिजिबल नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें अगर कंप्यूटर्स की, तो ये साइंस के लिए है, सोशल साइंस और कंप्यूटर का है, ये इंपॉर्टेंट है। सो असिस्टेंट टीचर में कंप्यूटर में आपको बीटेक, या तो आप बीटेक की हुई हो, बीटेक फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, बीटेक और बी लोग भी अप्लाइड हैं, भी एलिजिबल हैं। बीएससी इन कंप्यूटर साइंस या फिर बीसीए इन कंप्यूटर साइंस, बीसीए इन बीएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर बीसीए बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीसीए हो या फिर बैचलर डिग्री हो विद ए लेवल कोर्स फ्रॉम नीलिट, तो ये लोग अप्लीकेबल हैं। अब ये तो कुछ नहीं है, तो सिंपल चीज़ है। कन्फ्यूजन यहाँ पर है बीएड वाले में। तो अगर आपको, अब ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल मीन्स ये होनी ही होनी चाहिए अगर आपको फॉर्म भरना है। तो ये कह रहा है कि बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब इस इक्विवेलेंट डिग्री का मतलब क्या है? ऑब्वियसली कोई बीटेक करने के बाद में बीएड तो नहीं करेगा। उसका अगर कोई पर्पज़ स्कूल में टीचिंग का है बीटेक के बाद में, तो मे बी वो बीएड कर ले, लेकिन बीटेक के बाद में बीएड का कोई कॉम्बिनेशन बनता नहीं है। तो लेकिन इन्होंने लिखा हुआ है कि इक्वालेंट डिग्री, तो हो सकता है कि जिन्होंने बीटेक के साथ में एमटेक किया हुआ हो या फिर बीएससी के साथ में एमएससी किया हुआ हो, अगर बीएड नहीं है, या फिर बीएससी के साथ में लेट से उन्होंने एमएससी की भी हो या फिर बीसीए के साथ में एमसीए किया हुआ हो, तो इक्वालेंट डिग्री का मतलब वो हो सकता है। ये अभी क्लियर नहीं है कि इक्वालेंट डिग्री का मतलब क्या है। तो आई विल कॉल यूपीपीएससी एंड विल कन्फर्म दिस एंड देन आई विल इन्फॉर्म यू। सो बीटेक के साथ में बीएड, मे बी बीएससी वाले लोगों ने बीएड किया हुआ हो तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा चांस है, बीसीए के साथ में अगर बीएड किया हुआ है तो बहुत अच्छा चांस है, लेकिन आप बीटेक के बाद साथ में बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने बीएड किया हुआ होगा। तो बीटेक वालों के लिए हो सकता है कि एमटेक एलिजिबिलिटी हो, बीटेक प्लस एमटेक। ओके सो इक्विवेलेंट डिग्री के बारे में देखना पड़ेगा। तो ये है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अबाउट द क्वालिफिकेशन। उसके बाद में है ये अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए एज लिमिट जो है, एज लिमिट इंपॉर्टेंट है। मिनिमम एज लिमिट है 21 ईयर्स और मैक्सिमम है 40 ईयर्स। ओके और जो जो लोग और जो आपकी एज होगी वो काउंट होगी 1 जुलाई 2018 तक आपकी एज क्या होगी, वहाँ तक वो कैलकुलेट होगी। जो लोग रिजर्व कैटेगरी में जैसे ओबीसी एससी एसटी, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा एज में। फिर उसके बाद में कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो फॉर्म के बारे में है कि आपको आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास में कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आपने कैटेगरी के लिए अप्लाई किया है। डेट ऑफ बर्थ जो है वो अकॉर्डिंग टू 10th की मार्कशीट काउंट होगी। सो लाइक दिस चीज़ें हैं, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सिग्नेचर और इमेज जो है, आपका फ़ोटो और सिग्नेचर एक ही सिंगल फाइल में अपलोड करना है। फ़ोटो के नीचे सिग्नेचर के लिए एक अलग से बॉक्स बना के वहाँ पे सिग्नेचर करने हैं, और उसकी पूरे की हाइट होनी चाहिए 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि 4.5 सेंटीमीटर। ये सिग्नेचर वाला पार्ट 1.5 सेंटीमीटर और फोटो वाला पार्ट 4.5 सेंटीमीटर, मतलब पूरी हाइट हुई आपकी 6 सेंटीमीटर, और विड्थ होनी चाहिए 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ अपेंडिक्स में सारी की सारी फॉर्मेट्स हैं कि किसके फॉर्मेट में आपका ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, किस फॉर्मेट में एससी एसटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो फॉर्मेट के लिए अगर आपको बनवाना है तो आप यहाँ से कोई भी फॉर्मेट उठा सकते हो। अब मेन चीज़ है सिलेबस, सिलेबस कंप्यूटर का, ये सोशल साइंस का सिलेबस। सो सिलेबस देखते हैं कंप्यूटर साइंस का। यह है कंप्यूटर का सिलेबस। ओके कंप्यूटर का सिलेबस अगर आप ध्यान से देखो तो यूजीसी नेट और गेट का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंगली है। तो कंप्यूटर के सिलेबस में क्या क्या सब्जेक्ट हैं? डिजिटल लॉजिक एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, बहुत ही सिंपल है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स,
उसके बाद में है सी प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, और उसके बाद में है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेब टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो ये सब सब्जेक्ट्स हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर गेट या फिर DSSB की जो भी एग्जाम हो रहे हैं अभी बड़े कंपिटेटिव एग्जामिनेशन से, तो आप आराम से इस एग्जाम को निकाल सकते हो, क्योंकि बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आएंगे MCQs, और सब्जेक्ट भी वही हैं जो आपने बीटेक में पढ़े हुए हैं, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, CO, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क्स, प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम्स, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स। सो ये सिलेबस है। सो ये नोटिफिकेशन था UPPSC का असिस्टेंट टीचर के लिए। सो अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हो और आप प्रिपरेशन कर रहे हो UGC नेट, गेट और कंप्यूटर साइंस और UGC नेट के लिए, तो आप हमारा कोर्स खरीद सकते हैं। और वी हैव अ वेरी गुड वीडियो लेक्चर्स, क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स ऑन UGC नेट एंड गेट कंप्यूटर साइंस, DSSB, PGT एंड केंद्रीय विद्यालय एग्जामिनेशंस प्लस दिस एग्जामिनेशन दैट इज़ UPPSC असिस्टेंट टीचर। सो इन सब के लिए आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, और हमने बहुत सारी वीडियोस फ्री भी डाली हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे। सो यू कैन ओपन आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ DigiMentor एजुकेशन। सो यू कैन सिंपली टाइप इन यूट्यूब दैट इज़ DigiMentor एंड यू विल सी लॉट ऑफ वीडियोज़ इन दिस चैनल। एंड लेट्स से दिस इज़ DigiMentor। So this is our channel, and in this channel you will find lot of videos on PGT computer science. So this video will help you to prepare for this assistant teacher examination and other examinations like PGT, TGT or Kendriya Vidyalaya examinations. And we have lot of videos for GATE computer science and UGC net. So you can simply click on the subscribe button and can watch all the videos. Okay. Thanks for watching.